बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर जो है 8 है और वो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है, तो क्योंकि इसके अंदर जो है ये समझ लें कि हमारा जो ये लेक्चर है इट्स अंडरस्टैंडिंग टू 2D सप्लाइंस। इधर आ जाओ। पक्का सही है सर में तो नहीं होगा? पक्का है, देख लो। अच्छा अच्छा ठीक है, यूँ ना करवाएं फिर आप। चलें जी, ठीक है। तो सिलसिला ये है कि हम लोगों ने आज ना मॉडलिंग की जिस टेक्निक को हम लोगों ने यूज़ करना है उस टेक्निक का नाम है सप्लाइन मॉडलिंग। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, शेप में जाएंगे, शेप में जाके हम लोगों ने इन सप्लाइंस के थ्रू मॉडलिंग करनी है। इनके थ्रू हम लोगों ने देखना कि ये आप मॉडल कैसे बना सकते हो। सप्लाइन मेरे ख्याल से मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर पढ़ा दी थी क्या होती हैं, और लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद जब मैं इस लाइन को लगाऊंगा तो ये मेरे पास लाइन को जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये लाइन मेरे पास कर्वी एरिया के अंदर ड्रैग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो असल में इस वक्त जो लाइन की कैटेगरी है वो है कि आपने कॉर्नर किया हुआ है और इसको साथ में आपने बेजियर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कॉर्नर किया हुआ और बेजियर किया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली के तौर पे आपकी लाइन के अंदर कर्व्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको कर देंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अब मेरे पास जो लाइन बन रही है ये कॉर्नर्स के साथ बन रही है, ठीक है। अगर मैं लाइन की कैटेगरी को स्मूथ में क्लिक कर दूंगा तो मैं राइट क्लिक करूँगा देन मैं दोबारा क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करवा के नीचे लेके आऊँगा तो मेरी लाइन स्मूथली तौर पर रिएक्ट करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, और बेजियर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दें कि बेजियर कर्व क्या होती हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा लाइन के अंदर क्या बिहेवियर होता है? इसके अलावा लाइन में ये बिहेवियर होता है कि अगर आपने इस लाइन को 3D के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप लाइन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे। मॉडिफाई टूल बार में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरपोलेशन में आ जाएंगे, रेंडरिंग में आ जाएंगे। और रेंडरिंग में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट। आप क्या करेंगे, इनेबल इन व्यू पोर्ट पर क्लिक कर देंगे, और इनेबल इन व्यू पोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है इसके अंदर एक थिकनेस आ जाएगी। इस लाइन की जो थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि इस वक्त आपका जो लाइन है वो रेडियल में है, यानी कि गोलाई में है। इसके बाद जो इसके अंदर जो थिकनेस है वो है, थिकनेस आगे वह 0.025 मिलीमीटर, और ये आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। F4 से मैं इसके वायर फ्रेम को देख सकता हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, और ये मैंने क्या किया, इसकी जो लाइन की थिकनेस है वो बढ़ा दी और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि आपकी जो, अगर ये ऑब्जेक्ट हाई पोली तो आप क्या करेंगे, इसको आप लो पोली भी कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल लो कर दिया है, और आप अगर चाहें अब इसके रेडियल यहाँ पर आपको आ रहा है नज़र, अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन हमारी रेक्टेंगल में क्लिक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये एंगल है, ये आप इसके एंगल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके एस्पेक्ट्स हैं, ओके। अच्छा चलें, ये हमारे पास लाइन की कैटेगरी है। यही जो कैटेगरी है, यही जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके रेक्टेंगल में भी अप्लाई होंगे, सर्कल में भी अप्लाई होंगे, एलिप्स में भी अप्लाई होंगे, आर्क में भी अप्लाई होंगे, डोनट्स में भी अप्लाई होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें अप्लाई होंगे ये, ठीक है, इट्स नॉट ए वेरी बिग डील, ओके। तो अब हम लोगों ने आज सप्लाइन मॉल्डिंग पढ़नी है। तो सप्लाइन मॉल्डिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी जो इस तरह के शटर हैं, या जो अगर आप देखें क्या नाम है इसका, वेयर हाउस शटर, अगर आप देखें वेयर हाउस के शटर जो हैं, माशाल्लाह तुम्हारी आवाज बड़ा कॉन्फिडेंस है आज, मैं कह रहा तुम्हारी आवाज माशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस है आज, स्पोर्ट्स में तो नहीं तुम आ गई हो,
चलो अच्छे अच्छी बात है। ओह माय गॉड, लेट मी सी क्या बात है इसकी। अच्छा सॉरी यार, ये क्या है, ये तो नहीं हम बना रहे। नहीं ये तो पहले बना रही थी, वो कंप्लीट करवा लो यार पहले। हां ये ठीक ही है, इसकी टेक्सचरिंग करवा दे। हां वो कह रहे थे गेम का जो प्ले ने दिया हुआ उसका। हां इसकी टेक्सचरिंग करवा के ना इसका पोर्टफोलियो में लगवाओ, इसका पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है मुझे, और प्रॉपर पोर्टफोलियो। हम टीम में मैं हो गई है चारों की। अगले ने वीरे में रेंटर निकाल के दे दी है, बहुत अच्छा निकाला है, खुश किया उसने मुझे यहाँ पे। नहीं यहाँ पे खुश किया है, टैक्सचर अच्छा उठाया इसने। नहीं उठाया नहीं है, बनवाया है मैंने। हाँ जी सारा मैंने बनवाया है, पिछले लेक्चर के अंदर देखना रिकॉर्डेड है। एक एक चीज़ बताइए कैसे बनेगी, उठवाया तो मैंने है ही नहीं जी। नहीं जी थोड़ा बहुत आता, फिर उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? हो गया होगा यार, काम तो उसने अच्छा किया है। यार मैं असल में ना वो निकालना चाह रहा हूँ कि वो जो शटर होते हैं ना, अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये असल में मैं काफ़ी देर से ढूंढना चाह रहा था, मुझे मिल गया आखिर। ये देख रहे हैं आप, ये अगर हमने बनाना हो ठीक है, ये बड़ा आसान है बनाना है। इसके अंदर वो इस तरीके से कि आप क्या करेंगे, आपने एक लाइन को यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद आपने लाइन को यहाँ पे क्लिक किया। अभी मुझे इसकी 3D की ज़रूरत नहीं है ना, मैं इनेबल इन रेंडर को व्यू पोर्ट को ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ये ज़ीरो पे ले आऊँगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वक्त जी प्रेस करके इसके ग्रिड को ऑफ़ कर रहे हैं। ग्रिड को ऑफ़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने इसकी जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट नज़र आ रहा है आपको, ये रहा सेगमेंट, टू से सेगमेंट है, इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं डिवाइड कर दूँगा। ये आपके पास डिवाइड है, सेम एडिटेबल पॉली की तरह एडिटेबल सप्लाइन है। मैं इसको करूँगा 12 में, नहीं 12 बना 24 के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, डिवाइड हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वर्टेक्स को छोड़कर हम लोगों ने क्या करना है, इन वर्टेक्स को हम लोग क्लिक किया और इसको हम ऊपर कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, कॉर्नर बना रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, इधर बेजियर कर्व आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गया बेजियर कॉर्नर, ठीक है, या आप बेजियर कर दें, ठीक है, बेजियर बेहतर है। अब आप क्या करेंगे, एक को क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको उठाएंगे तो ये वो शेप आ जाएगी, इधर आ गई। अच्छा अब आपने क्या करना है, एक को क्लिक करें, दूसरे को क्लिक करें, यानी कि एक को छोड़कर एक को क्लिक करना आपने, ठीक है। एक ही दफा आप क्या करेंगे, इन सबको ऊपर की जानिब ले आएंगे और ये क्या हुआ, आ गई यहाँ पर। अच्छा जी ये शेप हमारे पास इस जगह पर आ गई है, ये जो हमको एक कर्वी शेप चाहिए थी, ये वाली आ गई। अच्छा जी अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको थिकनेस बढ़ानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे इसको। क्लिक करें और मॉडिफाई लिस्ट में आए, एक्सट्रूड पे क्लिक करें, यहाँ पर एक्सट्रूड ढूंढें, ये एक्सट्रूड आ गया, ई एक्सप्रेस किया और ये क्या होगा, यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये वन साइडेड हो गया, इसके नॉर्मल ऊपर है। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, SH शेल प्रेस कर देंगे और ये हमारे पास शेल आ गया। इसको शेल एक ऐसी कमांड है जो आपके 2D आपके जो सिंगल प्लेन ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर थिकनेस ले आता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी थिकनेस, यहाँ पर आपने सबसे एंड में जाना है, इसको कर देना स्ट्रेथ एंड स्ट्रेंथ कॉर्नर और इसके बाद सबसे ऊपर आना है और आने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक थिकनेस दे देंगे। ठीक हो गया। अगर आपने इसको लो पोली करना है तो स्टार्टिंग में आप लाइन में जाओगे, लाइन में जाने के बाद आप क्या करोगे, इंटरपोलेशन में आ जाओगे। एक दफ़ा शो एंड रिजल्ट देख लो आप, जहाँ पे क्लिक करोगे तो शो एंड रिजल्ट आएगा आपके पास।
आप इसके इंटरपोलेशन को आप कम कर दें, जितना इंटरपोलेशन कम होगा उतनी ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट लो पॉली बनेगा, तो ये नहीं, इतना काफ़ी है ये। राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर दें, और ये आपके पास एक शटर आ गया इधर। ओके अच्छा जी, ये कमांड थी हमारे पास क्या कहते हैं सिंपल लाइन, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप लेथ कमांड के ज़रिए ना, क्या मेरा ख्याल है इतने रखो आप, यही बनाओ अभी आप, ठीक है बस ठीक है, आप यही बनाएं अभी। इस लेक्चर को मैं आगे दूसरे लेक्चर के साथ मर्ज कर दूंगा, अभी यही बनाएं, क्योंकि आगे दो कमांड्स ऐसी हैं जो इससे बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है इतने रखें अभी आप।